Assalamu alaikum class, my name is Mohammed Anbash and I am your new chemistry teacher. तो बेटा सबसे पहले तो जो है आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 से 10 जो है क्लास 9 में पढ़ ली है, और अब जो आप लोगों के पास चैप्टर हैं केमिस्ट्री के वो है चैप्टर नंबर 11 टिल 9 जो है आपके 18, 11 टिल 18, क्योंकि आपका कोर्स दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया है. तो आप जो है आप रिमेनिंग हाफ चैप्टर अपने क्लास मैट्रिक में पढ़ेंगे. तो इन्हीं चैप्टर के अंदर सबसे पहला जो आप लोगों के पास टॉप चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 11. और चैप्टर नंबर 11 जो है वो आपका है हाइड्रोजन एंड वाटर. यहाँ पर हम दो एक एलिमेंट हाइड्रोजन और एक कंपाउंड वाटर को डिस्कस करेंगे. और इसमें आप लोगों के पास जो बेसिक टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में बनते हैं, जिनसे रिलेटेड सवाल क्वेश्चंस बनते हैं, जो आपके मेजर टॉपिक्स हैं वो आपके पास इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, सेकंड थर्ड आपका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, वाटर एंड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ वाटर, मेथड टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और हैवी वाटर. ये आपके मेजर टॉपिक्स. इसके अलावा कुछ सब टॉपिक्स भी होंगे जो कि हम इन्हीं मेजर टॉपिक्स के अंदर उनको कवर कर लेंगे. तो अपने लेक्चर नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं. और लेक्चर नंबर 1 है आपका इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोजन एंड इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन टू हाइड्रोजन. यहाँ पर हम अपने इस लेक्चर के अंदर दो टॉपिक कवर करेंगे. पहला टॉपिक हम हाइड्रोजन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि हाइड्रोजन बेसिकली है क्या, और इसकी यूनिवर्स के अंदर और अर्थ के अंदर क्या ज़रूरत है, क्या नीड है, क्या उसके रोल है, और दूसरा कि हम हाइड्रोजन को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं. एग्जाम में भी जो है बेटा आप लोगों का सवाल इसी तरीके से बनता है कि शॉर्ट नोट और हाइड्रोजन आ जाता है, जिसमें आप लोगों के ऊपर आप लोगों को हाइड्रोजन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, दूसरा आपका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन आ जाती है. काफ़ी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, 5-6 प्रिपरेशन हैं जिनमें से आपको एग्जाम में 2-3 प्रिपरेशन गिवन आपको लिखनी होती है. तो पहले बेटा इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं. पहली दफा हाइड्रोजन को जो डिस्कवर किया वो कैवेंडिश ने किया इन 1766. तो बेटा ये जो मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स है ना, कब डिस्कवर हुए और किन साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया, ये सारा जो है वो आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज वगैरह में इस तरह के सवाल पड़ते हैं. तो कैवेंडिश ने 1766 में उसको डिस्कवर किया, और इसकी डिस्कवरी किस तरीके से की, जिंक मेटल को HCl के साथ कंबाइन किया, और HCl के साथ कंबाइन करने के बाद जब इसको दोनों को कंबाइन किया तो जिंक क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया जिंक ने, और यह बन गया जिंक क्लोराइड, और दूसरा आपके पास हाइड्रोजन गैस रॉ फॉर्म में आपको ऑब्टेन हो गई. तो यह हाइड्रोजन की पहली डिस्कवरी. अगर हम ग्रीक लैंग्वेज के अंदर देखें तो हाइड्रोजन के मायने हैं वाटर प्रोड्यूसर, क्योंकि बेटा आपको पता है कि वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, और उसमें हाइड्रोजन मौजूद होता है. तो विदाउट हाइड्रोजन जो है वाटर फॉर्म हो भी नहीं सकता, तो इसलिए इसको हम वाटर प्रोड्यूसर कहते हैं. और ये नाम आपको जो इसका हाइड्रोजन का नाम जो है वो लेविशियन ने सपोज किया. ऑक्यूरेंस की बात करें तो यूनिवर्स के अंदर हाइड्रोजन जो है वो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, यानी कि सबसे ज्यादा इसकी जरूरत होती है ओवरऑल पूरी यूनिवर्स की बात, जिसमें सन और दूसरे प्लैनेट्स वगैरह सब शामिल हो जाएंगे, दूसरे स्टार्स वगैरह सब आदि इंक्लूड हो जाएंगे. तो जो जितने भी सन हैं और दूसरे स्टार्स हैं वो ज्यादातर हाइड्रोजन से कंपोज होकर ही बने हैं, और बेसिकली सन के लिए तो हाइड्रोजन एज अ न्यूक्लियर फ्यूल काम करता है, क्योंकि आपको बताया कि सन की रोज के अंदर हीट जनरेट होती है कंटिन्यूसली, जो उसके लिए एज अ फ्यूल जो है वो काम करती है वो हीट, और इसी वजह से सन का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, उसका टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होता. तो सन के लिए जो मेजर फ्यूल है वो है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन ही वहाँ पर बस्ट होते हैं, अपने आप को हीलियम में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद वो सूरज के लिए ऐसा फ्यूल वर्क करते हैं हाइड्रोजन. तो वो सूरज का फ्यूल है हाइड्रोजन, इस वजह से यूनिवर्स में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है. सेकेंड, 70% ऑफ द यूनिवर्स जो है आपकी वो हाइड्रोजन ही से कंपोज होकर बनी है. अर्थ की अगर हम बात करें, अर्थ क्रस्ट के अंदर हाइड्रोजन जो है वो नाइन्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, ठीक है.
तो यानी इसका जो रैंक आता है वो 9th रैंक पर आता है, और अर्थ का जो टोटल मास है उसका 0.89% जो है वो हाइड्रोजन पर डिपेंड करता है। जितना भी टोटल अर्थ का मास है उसका 0.89% हाइड्रोजन से कंपोज हुआ हुआ है। और एक बार हाइड्रोजन के लिए जहन में रखिएगा कि इट इज फाउंड इन नेग्लिजिबल क्वांटिटीज इन द फ्री स्टेट। देखिए हाइड्रोजन जो है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, बहुत जल्दी दूसरों के साथ रिएक्ट कर लेता है, इस वजह से वो फ्री स्टेट में नहीं मिलता, या तो किसी ना किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन हुआ हुआ होगा, वाटर की फॉर्म में मिल जाएगा, HCl की फॉर्म में मिल जाएगा, या कोई भी दूसरे कंपाउंड की फॉर्म में मिल जाएगा, या फिर वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलेगा। मॉलिक्यूल का मतलब क्या, अपने ही पार्टनर के साथ कंबाइन हुआ हुआ होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं H2, यानी ये अपने ही दो हाइड्रोजन आपस में मिलकर एक पेयर बना लेंगे, लेकिन हाइड्रोजन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल क्वांटिटी। कंबाइन स्टेट में जो हाइड्रोजन हमें सबसे ज्यादा मिलता है अर्थ के अंदर वो मिलता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है, H2O इसका फार्मूला हमें पता है, तो उसमें दो हाइड्रोजन वाटर में मौजूद है। और अगर हम वाटर में हाइड्रोजन का रेशियो देखें तो 11.11% हाइड्रोजन होता है और 89% जो है वो आपका ऑक्सीजन होता है बाय मास। इसके अलावा कोई भी दूसरे फ्यूल हैं आपके, पेट्रोलियम है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, सब में हाइड्रोजन मौजूद, नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस में भी हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन का आपस में कॉम्बिनेशन बना होता है, तो इस फॉर्म में जो है वो हाइड्रोजन आपका मौजूद होता है। अगर हम हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये हाइड्रोजन का आपका टोटल स्ट्रक्चर होगा, उसमें एक ही शेल होता है हाइड्रोजन के अंदर, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर 1 होने का मतलब क्या है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, और इसका एटॉमिक मास भी 1 है क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। जो नॉर्मली जो आपको 99.99% हाइड्रोजन अर्थ में मिलता है वो ऐसा हाइड्रोजन है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, प्रोटियम जिसको कहते हैं, तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता। और इसके अलावा जो इसका सेंटर पार्ट है जो कि इसका न्यूक्लियस है, जो आप सेंटर बॉल देख रहे हैं ये उसके न्यूक्लियस है, ये उसका एक्स्ट्रा न्यूक्लियस है जिसको हम शेल भी कहते हैं। तो सेंट्रल न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन मौजूद होगा, 0 न्यूट्रॉन है, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियस जो आपके शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा जो कि पूरे शेल पर मूव करता रहता है, रोटेट करता रहता है। तो ये हाइड्रोजन का टोटल आपका स्ट्रक्चर आ गया। अब जब इंट्रोडक्शन हो गया हाइड्रोजन का, तो अब उसके बाद जो आपके पास मेजर टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन की इंडस्ट्रियली हम उसको प्रिपेयर किस तरीके से कर सकते हैं। तो टोटल आपके पास यहाँ पर 5 प्रिपरेशंस हैं, और एग्जाम के लिए आपको 5 याद करनी है क्योंकि वो बार दफा कोई सी भी प्रिपरेशन दे, ठीक है। तो सबसे पहली जो इसकी प्रिपरेशन है वो है बायपासिंग स्टीम ओवर कोक। देखिए बेटा कोक जो है वो कार्बन की रॉ फॉर्म, ठीक है, कार्बन ही की एक फॉर्म को, एमोर्फस फॉर्म को हम कोक कहते हैं। एट 1000 डिग्री स्टीम इज पास ओवर रेड हॉट कोक कार्बन व्हेन अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस। दिस मिक्सचर ऑफ गैस इज ऑल्सो कॉल्ड वाटर गैस। देखिए 1000 डिग्री के ऊपर जब हम स्टीम पास करते हैं रेड हॉट कोक के ऊपर यानी कि कार्बन के ऊपर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का एक मिक्सचर सा प्रोड्यूस होता है, और इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, वाटर गैस, ठीक है। देखें ये कार्बन है, ये वाटर है, दोनों को हमने आपस में कंबाइन करवाया 1000 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर, तो ये जो कार्बन है इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और ये बना देगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये बना देगी आपका साथ में दूसरी तरफ आपको मिल जाएगी हाइड्रोजन गैस। लेकिन बेटा इस वक्त जो आपको हाइड्रोजन मिलेगा वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में नहीं होगा, बल्कि उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी कंबाइन होगा, ये दोनों आपको एज अ कॉम्बिनेशन मिलेंगे, और इस कॉम्बिनेशन को हम वाटर गैस कहते हैं। तो यही सवाल बोर्ड के अंदर कुछ दूसरे तरीके से भी आ सकता है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर वाटर गैस, अगर वो ये पूछने के बजाय कि हाउ कैन यू प्रिपेयर इंडस्ट्रियली हाइड्रोजन, हाउ कैन यू इंडस्ट्रियली प्रिपेयर हाइड्रोजन, ये पूछने के बजाय अगर वो ये पूछ लें आपके कि हाउ कैन यू प्रिपेयर वाटर गैस, तो आप इजिली यही रिएक्शन दोबारा दे सकते हैं क्योंकि इसमें वाटर गैस ही फॉर्म होगा। दूसरा मेथड जो है हाइड्रोजन को प्रिपेयर करने का वो मेथड है नेचुरल गैस से प्रिपेयर करने का।
ठीक है, स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस, इसको हम स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस भी कहते हैं, एट 900 डिग्री एंड इन द प्रेजेंस ऑफ निखिल एज अ कैटलिस्ट। यहाँ पर हमें टेम्परेचर को 900 डिग्री रखना होता है और निखिल को एज अ कैटलिस्ट यूज करना होता है। अगर आप लोग भूल गए हो कि कैटलिस्ट क्या होता है, तो कैटलिस्ट बेसिकली कोई भी ऐसी चीज जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर दे। यानी दो एलिमेंट्स अगर आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन वो उनका रिएक्शन स्लो हो रहा है, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जो बड़ा स्लो रिएक्शन करते हैं, तो उनके रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, तेज करने के लिए हम एक दूसरा एलिमेंट बीच में इंसर्ट करवाते हैं और वो एज अ कैटलिस्ट काम करता है। तो यहाँ पर निखिल एज अ कैटलिस्ट होगा। तो कैटलिस्ट उसको कहते हैं जो किसी भी रिएक्शन को एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करे ताकि रिएक्शन इजिली हो जाए, और दूसरा उसके रिएक्शन के होने की स्पीड को तेज कर दे। तो यहाँ पर निकल को एज अ कैटलिस्ट 900 डिग्री टेम्परेचर पर हमने रखा। ये आपकी मीथेन गैस है, जो नॉर्मली जिसको हम सुई गैस भी कहते हैं, जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है। तो मीथेन गैस को हमने वाटर के साथ कंबाइन किया, H2O के साथ। तो यहाँ पर कार्बन कंबाइन हो जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, ये बना देगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और दूसरी तरफ आपके पास बन जाएगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है, जिसको 3H2। यहाँ पर हमने बैलेंसिंग बैलेंस करने के लिए 3 यहाँ पर लगाया। हाइड्रोजन गैस के 3 मोल्स आपको मिलेंगे, यानी 3 ग्रोथ्स मिलेंगे हाइड्रोजन गैस के। अब देखिए बेटा, इन दोनों प्रोसेसेस में एक बात कॉमन है, वो ये कि दोनों प्रोसेसेस के अंदर हमें प्योर फॉर्म में हाइड्रोजन नहीं मिल रहा, दोनों में हमें एज अ वाटर गैस की फॉर्म में मिल रहा है। तो ये प्रोसेस मजीद जो है वो आगे डिवाइड होंगे दो हिस्सों में, क्योंकि हमें हाइड्रोजन बिल्कुल प्योर फॉर्म में चाहिए, और यहाँ पर जो हमें हाइड्रोजन मिल रहा है वो प्योर फॉर्म में नहीं है, बल्कि उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है और वो एज अ वाटर गैस की फॉर्म में है। तो इन प्रोसेसेस को हम मजीद दो हिस्सों में ब्रेक कर देंगे। अगर यहाँ से हमें प्योर हाइड्रोजन गैस को अलग करना है, तो हमारे पास दो मेथड है, या तो हम बाय लिक्विफिकेशन मेथड यूज कर लेंगे, या फिर हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस यूज कर लेंगे, जिसको हम बॉश प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस जिसको हम बॉश प्रोसेस भी कहते हैं। इन दो प्रोसेस के जरिए हम लोग हाइड्रोजन गैस को वाटर गैस से सेपरेट कर लेंगे। तो यही दो प्रोसेस जो आपके पास हैं, पहला है बाय लिक्विफिकेशन की अगर हम बात करें, तो यहां पर व्हेन वाटर गैस इज कूल डाउन टू -200, कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विफाइज एंड हाइड्रोजन रिमेन एज गैस। द ट्रेसेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कैन बी रिमूव फ्रॉम द मिक्सचर बाय ट्रीटिंग द मिक्सचर विद कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड सोडियम फॉर्मेट इज फॉर्म। बेटा ये बड़ा इजी प्रोसेस है। इसमें क्या करना है कि जो भी आपको वाटर गैस मिली है, उस वाटर गैस को -200 डिग्री टेम्परेचर तक जो है वो कूल डाउन कर देना, ठीक है, यानी उसको कूल डाउन करेंगे -200 डिग्री टेम्परेचर पर। अब -200 डिग्री टेम्परेचर पर जब हम इसको कूल डाउन करेंगे, तो ये आप देख रहे हैं वाटर गैस और ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, तो इतने टेम्परेचर की वजह से इन दोनों का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा, ठीक है। तो -200 पर हमने इसको कूल डाउन किया, उसमें से हाइड्रोजन गैस अलग हो गई, जो अलग हो गई हमने उस चेंबर में से हाइड्रोजन को अलग से निकाल दिया। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दोबारा से रिएक्शन करवाकर सोडियम फॉर्मेट बना लिया, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक अनस्टेबल कंपाउंड है, अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो दोबारा हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा, -200 से बढ़ना शुरू होगा, तो क्या होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड दोबारा से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर देगा। तो इस रिएक्शंस को अवॉइड करने के लिए हम इसका रिएक्शन इसमें इंसर्ट कर देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, इस कंपाउंड जिस चेंबर में आप ये रिएक्शन करवा रहे हैं, तो वहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड उस कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करके उसको एंगेज कर लेगा अपने साथ, और एंगेज करने के बाद क्या बना देगा, सोडियम फॉर्मेट। और जो आपके पास रिमेनिंग हाइड्रोजन गैस जो अलग हुई है वो इंडिपेंडेंट ही रहेगी, और जो एक चांस था कार्बन मोनोऑक्साइड का दोबारा हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाने का, वो चांस खत्म हो जाएगा और हमें प्योर हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन हो जाएगी। दूसरा मेथड जो हम अप्लाई कर सकते हैं वाटर गैस से हाइड्रोजन को अलग करने का, वो मेथड कहलाता है बॉश प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस मोर स्टीम पास थ्रू वाटर गैस एट 500 डिग्री इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, फेरस ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट।
कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बिकम कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच इज सॉल्यूबल इन वाटर एंड हाइड्रोजन रिमेन इनसॉल्यूबल, सो इट कैन बी ऑब्टेन एज प्योर गैस। तो बेटा दूसरा मेथड में हम क्या करेंगे, कि आपके पास वाटर गैस है जो पहले हमें मिली थी दो मेथड से, तो वाटर गैस को हमने मजीद स्टीम के साथ कंबाइन करा दिया। ये जो H2O है ये वाटर ही है लेकिन स्टीम की फॉर्म में, क्योंकि आपको पता है कि स्टीम जिसको भाप कहते हैं उर्दू में, वो वाटर ही की फॉर्म, तो स्टीम के साथ हमने इसको मजीद कंबाइन करा दिया। अच्छा, कार्बन का नेचर है कि उसको जितनी भी ऑक्सीजन मिले हैं वो उनके साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो कार्बन यहाँ पर मोनोऑक्साइड था, जब उसको एक ऑक्सीजन मजीद एक्सेस में मिलेगा तो वो उस ऑक्सीजन को अपने पास एडॉप्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, ठीक है। ये गैस कार्बन मोनोऑक्साइड से कन्वर्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि एक स्टेबल कंपाउंड है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें फॉर्म होगा तो वो हाइड्रोजन को अलग कर देगा, और हमारे पास जो पहले उसके साथ हाइड्रोजन गैस कंबाइन हुई हुई थी वो अलग हो जाएगी, और हमें प्योर फॉर्म में हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन हो जाएगी, मिल जाएगी, और यहाँ पर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट कर देंगे सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। इस रिएक्शन के अंदर आपका टेम्परेचर 500 डिग्री होना चाहिए, और दूसरा आप लोग एज अ कैटलिस्ट फेरस ऑक्साइड का यूज करेंगे, और अगर आपके पास आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड, क्योंकि आयरन को हम फेरस भी कहते हैं, तो फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड का यूज करेंगे, और अगर हमारे पास आयरन ऑक्साइड की अवेलेबिलिटी ना हो तो हम एज अ कैटलिस्ट क्रोमियम ऑक्साइड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला Cr2O3, ठीक है। तो ये दोनों ऐसा कैटलिस्ट इस्तेमाल हो सकते हैं, यहाँ रिएक्शन में उन्होंने आयरन ऑक्साइड को यूज करके दिखाया। तो ये बात जहन में रखनी है कि अगर आप लोग एग्जाम में ये दो प्रोसेस अटेम्प्ट करते हैं, या वो एग्जाम में आपको यही दो प्रोसेस दे देते हैं स्पेसिफाइड करके कि आपको इन्हीं मेथड से बताना है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, के स्टीम कोक और स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस के जरिए हाइड्रोजन कैसे प्रिपेयर होता है, तो उसके लिए ये प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट नहीं होंगे। इन प्रोसेस की जो फर्दर कंटिन्यूएशन है, यानी वाटर गैस की सेपरेशन हाइड्रोजन में से और वाटर गैस से हाइड्रोजन को सेपरेट करना, ये मजीद कंटिन्यूएशन भी आप इन दो प्रोसेसेस के साथ लिखिए, या इनमें से एटलीस्ट एक तो जरूर लिखिए। अब उसके बाद जो आप लोगों के पास, ये आपके दो मेथड हो गए, जो आप लोगों के पास तीसरा मेथड है वो है बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन। हम मीथेन को थर्मली डिकम्पोज करके, डिकम्पोज का मतलब क्या है, एक कंपाउंड को ब्रेक करना, ठीक है। तो एक कंपाउंड को ब्रेक करके थर्मली डिकम्पोज करके भी हाइड्रोजन को प्रिपेयर कर सकते हैं, और ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। इसमें जो है हमारे पास मीथेन गैस होगी जो कि सुई गैस है, हमारी जो नॉर्मली घरों में इस्तेमाल होती है, और उस गैस पे का टेम्परेचर हम लोग 700 डिग्री से अबव रखेंगे, ठीक है, एटलीस्ट 700 डिग्री और अबव, और एब्सेंस ऑफ एयर, हवा बिल्कुल मौजूद ना हो ये रिएक्शन होते वक्त, क्योंकि अगर हवा मौजूद होगी, ठीक है, तो हवा में आपको पता है एयर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, तो अगर वो ऑक्सीजन इस रिएक्शन में इंक्लूड हो गया तो दोबारा से क्या प्रॉब्लम होगी, कार्बन उस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर गैस बना देगा, और वाटर गैस बन गई तो प्योर फॉर्म में हमें हाइड्रोजन मिलेगा नहीं। तो मेक श्योर कि इस पूरे रिएक्शन के अंदर किसी भी किस्म की एयर मौजूद ना हो, जरा से भी ट्रेसेस ना हो। तो ये कार्बन, तो उससे होगा ये कि कार्बन बिल्कुल अलग हो जाएगा अपनी रॉ फॉर्म के अंदर एज अ सॉलिड पार्टिकल, ठीक है, एस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है एज अ सॉलिड पार्टिकल कार्बन अपनी रॉ फॉर्म में अलग हो जाएगा, और हाइड्रोजन गैस आपको प्योर फॉर्म में ऑब्टेन हो जाएगी। तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मैथेन बड़ा कॉन्वीनियंट मेथड है, इजी मेथड है हाइड्रोजन को ऑब्टेन करने। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने एक कार्बन, जो हमारे पास कार्बन मिलेगा रॉ फॉर्म में उसके यूजेस लिखे, ये एज अ एमसीक्यूज वगैरह आपके आ सकते हैं, कि कार्बन यूज होता है रबर इंडस्ट्री के अंदर, फिलर्स के अंदर, पॉलिशेस, कार्बन पेपर्स, प्लास्टिक बनाने के लिए, तो कार्बन के तो मल्टीपल यूजेस। जब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, या आपका एक चैप्टर मौजूद है केमिस्ट्री, तो उसमें हम कार्बन के मल्टीपल यूजेस पढ़ेंगे। लास्ट मेथड जो है हाइड्रोजन की प्रिपरेशन का वो है बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। तो हाइड्रोजन को हम वाट एज अ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के जरिए भी ऑब्टेन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है वो आप लोगों ने क्लास 9 में चैप्टर 8 में पढ़ा है, कि करंट पास करके किसी कंपाउंड को ब्रेक करना दो हिस्सों में। तो
ये आपके पास एक कंपाउंड है H2O जो कि वाटर है। वाटर को हम ब्रेक करते हैं, हम उसमें करंट पास करते हैं, करंट और इलेक्ट्रिक करंट जब हम उसमें पास करते हैं तो हाइड्रोजन इसमें से अलग हो जाता है और ऑक्सीजन गैस इसमें से अलग हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन क्योंकि नेगेटिव एलिमेंट है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव प्लेट, क्योंकि आपके इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर आप अपनी दो किस्म की प्लेट्स यूज करते हैं, एक कैथोड प्लेट और एक एनोड प्लेट। तो ऑक्सीजन जाकर जमा हो जाएगा एनोड के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव है तो वो जाकर पॉजिटिव यानी कि एनोड पर जमा हो जाएगा, और हाइड्रोजन जो है जो कि आपका जमा हो जाएगा आपके पास कैथोड पर। तो ये चार प्रोसेस हैं, लेकिन बेटा ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है, फोर्थ प्रोसेस है, ये प्रोसेस रिकमेंडेबल नहीं है, इसको रिकमेंड नहीं करते। उसकी वजह यह है कि इस प्रोसेस के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा चाहिए होती है इस प्रोसेस के लिए, और ये प्रोसेस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो कोई भी इंडस्ट्री इस प्रोसेस को एडॉप्ट नहीं करती नॉर्मली, क्योंकि ये प्रोसेस उनको बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड। तो ज्यादातर जो है फर्स्ट थ्री प्रोसेस जो है वो ही यूज किए जाते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आपका टॉपिक था, दो मेजर टॉपिक। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पढ़ेंगे, तब तक इस टॉपिक को ध्यान से मेमोराइज कर लीजिए। थैंक यू।